मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 2 सितंबर सन 2021 और दिन है गुरुवार। अपने भक्ति श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत हम इसके 43 भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। 43वें भाग में मैंने सिद्धू के वन जाने और उनकी तपस्या से आकुल देवताओं का श्रीहरि से विनती करने की कथा सुन चुके हैं। श्रृंखला के 44वें भाग में हम ध्रुव को भगवान से वर प्राप्ति और घर वापस आने की कथा सुनेंगे। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, जब श्री हरि से आश्वासन पाकर देवता लोग स्वर्ग लोक को चले गए तो प्रभु ने गरुण जी को बुलाया और उन पर सवार होकर अपने भक्त ध्रुव को देखने के लिए वो मधुबन की तरफ चल पड़े। जब वो उस स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि तेज से भरे हुए ध्रुव घनघोर तपस्या में लीन है। ध्रुव जी भगवान की एक विराट छवि को, सुंदर छवि को अपने हृदय में बसाए हुए थे और निरंतर उसी के ऊपर कंसंट्रेट थे, उनको देख रहे थे वो। लेकिन वो छवि अचानक विलुप्त हो गई। विलुप्त हो जाने पर वो विचलित हो गए और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोल दी तो देखा कि वही मूर्ति रूप भगवान सामने स्वयं खड़े हुए हैं। वह उन्हें प्रणाम करने लगे और उनकी स्तुति करने का प्रयास करने लगे। वो जमीन पर लेट करके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, लेकिन वो चूंकि बालक थे तो उनको पूरी तौर से भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए उसका कोई ज्ञान नहीं था। भगवान ने उनकी इस बात को, उनके मन की बात को समझ लिया और अपने हाथ में लिया हुआ शंख उनके गाल में छुआ दिया। जैसे ही उनके गाल में उन्होंने अपना शंख छुआया, उनको वेदों का जितना भी ज्ञान था सभी कुछ उनके अंदर चला गया। इसके बाद उन्होंने विधिपूर्वक प्रभु का गुणगान किया, उनकी स्तुति की, उनके चरण स्पर्श किए और अपना हर्ष उनके सामने व्यक्त किया। ध्रुव जी के अनेकों प्रकार की स्तुति सुनकर भक्तों से प्यार करने वाले भगवान उनके मन की बात जान गए और उनकी प्रशंसा कर बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजकुमार, तुम्हारे मन में जो भी बात है मैं उसको समझ गया हूँ। यद्यपि वो पद प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, वह तुम्हें देता हूँ। उन्होंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड जिस लोक का चक्कर लगाता है, ध्रुव लोक, वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि जब तेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी तो राज सिंहासन पर बैठेगा और 36,000 साल तक निर्विघ्न राज्य करेगा। तुम्हारा भाई, जिसकी वजह से तुमको अपमानित होना पड़ा, जंगल में शिकार करते हुए जाएगा और वहाँ पर मारा जाएगा, और उसकी माता सुरुचि अपने पुत्र के वियोग में जंगल की तरफ पागल होकर के भागेगी और जंगल की आग में जल करके भस्म हो जाएगी। तुम उसके बाद अनेकों यज्ञ करोगे जिनसे कि जो मुझे पसंद हैं, और इस प्रकार से तुमको वैकुंठ प्राप्त होगी जहाँ पर दोबारा जाने के बाद पृथ्वी कोई लौटता नहीं है। इसके बाद भगवान अपने लोक को चले गए। बालक ध्रुव को अब तो ज्ञान प्राप्त हो चुका था। जैसे ही उसने ये सुना, बाद में सोचा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो स्वयं बहुत अनिष्ट कर दिया, अपनी माता और अपने भाई के लिए मृत्यु मांग ली, कितना मूर्ख हूँ। बहुत उन्होंने पश्चाताप किया, उनको बहुत आत्मग्लानि हुई, लेकिन अब उनके सामने कोई चारा नहीं था, भगवान तो जा चुके थे। क्यों? क्योंकि भगवान को जो करना था वो कर चुके थे, जो कुछ उन्होंने लिख रखा था वो सब कुछ हो चुका था। इसके बाद वे घर लौट आए। घर लौटने पर उनके पिता ने ध्रुव का बहुत जोर शोर से स्वागत किया, सम्मान किया, खूब लाड़ प्यार किया। ध्रुव ने भी अपनी दोनों माताओं से मिले और उनके चरण स्पर्श किए और आंसुओं से सबके चेहरे भीग गए। सबके जो ध्रुव ने अपनी सरलता से और अपने श्रद्धा से सबका मन मोह लिया। अब उनके पिता उत्तानपाद की मृत्यु के बाद हजारों वर्ष तक उन्होंने राज्य किया और उसके बाद वे वन को चले गए और मोक्ष को प्राप्त होकर के अपने ध्रुव लोक चले गए। इसी के संदर्भ में बीच में एक, जब वो ध्रुव लोक की तरफ चले गए थे, एक बार शिकार खेलते समय एक बलवान यक्ष ने उनके भाई को मार डाला, जिससे उनकी माता भी
शोकित हो करके मृत्यु को प्राप्त हुई। इस पर ध्रुव को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने यक्षों के ऊपर आक्रमण कर दिया। जो यक्ष मिला उसको उन्होंने मारा। उन्होंने अनेक यक्षों, यक्षणियों और बच्चों सभी को मार डाला और उन्होंने पूरा विध्वंस मचा दिया, लेकिन उनका क्रोध इसके बावजूद कम नहीं हुआ। तब उनके जो दादा मनु थे, उन्होंने देखा कि ध्रुव का क्रोध तो शांत ही नहीं हो रहा है। तब वे स्वयं आए और उन्होंने समझाया कि ध्रुव, तुम तो समझदार हो, तुम तो ज्ञानी पुरुष हो, और एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा है, तुमने उसको मार डाला, उसके बाद तुम सारे यक्षों को वही सजा दे रहे हो। पता नहीं कितनी स्त्रियों को तुमने विधवा बना दिया, कितने बच्चों को तुमने यतीम बना दिया, इसलिए अब अपने क्रोध को शांत करो। दादा मनु को समझाने और दूसरे ऋषियों आदि के समझाने पर उनका क्रोध शांत हुआ और वे अपने लोक को चले गए। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम ध्रुव को कुबेर जी से वर प्राप्त करने की कथा प्रस्तुत करेंगे। आपका आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब हम लोग प्रभु का भजन प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद फिर आपसे नमस्कार। तो लीजिए, प्रस्तुत है भगवान का भजन और इसके बाद नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। भज प्यारे तू वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।